हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जगदेव इन नॉलेज। जगदेव इन नॉलेज में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक है बैंक प्राइवेटाइजेशन, और आज हम बात करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर। जो पॉइंट्स हैं, कौन सी प्राइवेट कंपनी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को खरीदने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, अभी प्राइवेटाइजेशन का स्टेटस क्या है, बैंक्स को जल्द से जल्द प्राइवेटाइज करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से बिल को अमेंड करने जा रही है, बैंक्स को खरीदने से पहले बायर्स क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, उनकी क्या डिमांड्स हैं, क्या प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ बैंकों का मर्जर भी होने जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में न होने के बावजूद भी बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों हाईलाइट हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बैंक्स को खरीदने में जो बायर इच्छुक हैं, उन्होंने अपनी समस्या बताई है कि वो बैंक तो खरीदना चाहते हैं लेकिन पेंशन की लायबिलिटी को अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, यानी कि वो पेंशन को एम्प्लॉयज को नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम करे कि ये जो लायबिलिटी है वो गवर्नमेंट के पास ही रहे या वो किसी और को हैंड ओवर कर दे, यानी कि गवर्नमेंट पेंशन फंड को किसी और एजेंसी जैसे कि LIC या कोई और पेंशन फंड मैनेजर के हवाले कर दे, जो कि टेक केयर करे कि एम्प्लॉयज को पेंशन उन्हीं के द्वारा दी जाए, यानी कि या तो गवर्नमेंट खुद इसका संभाले या किसी और पेंशन फंड मैनेजर के थ्रू इसको संभाले, लेकिन जो प्राइवेट एंटिटी इन बैंक्स को खरीदेगा वो इस पेंशन फंड को मैनेज करने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है, उसका कोई भी दिलचस्पी एम्प्लॉयज के पेंशन में लेने में नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑलरेडी बोल चुकी हैं कि एम्प्लॉयज की जो पेंशन है उसकी टेक केयर गवर्नमेंट करेगा, यानी कि एम्प्लॉयज को पेंशन मिलती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट कंपनी तो इच्छुक है नहीं पेंशन देने के लिए, तो गवर्नमेंट को अभी क्या करना पड़ेगा कि कोई पेंशन फंड मैनेजर इसके लिए रखना पड़ेगा और जो कि टेक केयर करेगा कि एम्प्लॉयज को पेंशन मिलती रहे। बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राइवेटाइजेशन की। पुणे की एक प्राइवेट कंपनी जो कि बजाज की एंटिटी है, उसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है, और उसका कहना है कि वो 40 रुपये पर शेयर तक भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए पेमेंट कर सकता है। अभी प्रेजेंट में जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर प्राइस है वो है 25.70। अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर के 6 महीने के चार्ट को देखें तो हम पाते हैं कि इसका शेयर लगभग 12 रुपये के आसपास था, जो बढ़कर अभी 25 रुपये 70 पैसे पर पहुंच गया है। इसका मतलब इसके शेयर में पिछले 6 महीने में भारी वृद्धि हुई है, और आप देख सकते हैं कि फरवरी के बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर में एकदम से उछाल आया है, इस चार्ट में आपको साफ नजर आएगा, जो कि प्राइवेटाइजेशन की न्यूज की वजह से है। जब जब प्राइवेटाइजेशन का जरा जरा सा नाम भी आ जाता है तो एक एक दिन में इस बैंक का शेयर 10 से 20% तक उछल जाता है। ब्रांचेज के एंगल से बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा ब्रांचेज महाराष्ट्र के अंदर हैं, और ये जो कंपनी खरीदने में इच्छुक दिखाई दे रही है वो भी पुणे बेस्ड है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की लगभग 2000 ब्रांचेज हैं, जिसमें से मोस्टली ब्रांचेज महाराष्ट्र के अंदर ही हैं, बाकी की ब्रांचेज सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, यानी कि बड़े बड़े सिटीज में बाकी के कंट्री में। यानी कि इस बैंक को खरीदने में परचेजर का बहुत ही फायदा रहेगा, क्योंकि वो इजीली मैनेज कर लेगा और उसको नेटवर्क मिलेगा पूरे कंट्री में। बैंकों को लाया जाएगा कंपनीज एक्ट के अंदर। केंद्र सरकार 2 बैंकों को कंपनीज एक्ट के अंदर लाने वाली है। कंपनीज एक्ट में लाने से इन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना गवर्नमेंट के लिए इजी हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन में बाधा बन रहे दोनों ही बिलों को अमेंड किया जाएगा, और जिन बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाना है उनको इन दोनों बिलों से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि वो बैंक कंपनीज एक्ट के अंदर आ जाएंगे। तो जिन 2 बिलों को अमेंड करने की बात चल रही है और जिन बैंक्स को, यानी कि प्राइवेटाइज होने वाले बैंक्स को इन लॉज से, यानी कि इन रेगुलेशन से बाहर किया जा रहा है, वो बिल हैं। पहला बिल है बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970, और दूसरा बिल जो है वो है बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1980। गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन में बाधा बनने वाले सभी बिलों को एक साथ अमेंड कर देना चाहती है, जिससे कि किसी भी तरह का कोई भी लीगल प्रॉब्लम इन बैंक्स को प्राइवेटाइज करने के अंदर ना आए। प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ बात करते हैं मर्जर की। नई स्ट्रेटेजिक सेक्टर पॉलिसी के अनुसार इंडिया के अंदर केवल 4 सरकारी बैंक ही काम कर सकती हैं, बाकी बैंक को या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा या फिर उनको मर्ज कर दिया जाएगा। 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करने का अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में किया था, और नीति आयोग भी ये 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करने के लिए बात कर चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के बैंक, यानी कि 2 प्राइवेटाइज होने वाले बैंकों के अलावा, उनको मर्ज किया जाएगा। मर्जर का पुरजोर विरोध करने वाले सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की हालत इस टाइप से हो गई है कि अभी वो चाहते हैं कि हे भगवान, हमारी बैंक का मर्जर ही हो जाए और प्राइवेटाइजर से हम कैसे भी बच जाएं। कहां से उछला बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम?
बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नीति आयोग ऑलरेडी कह चुका है कि जो भी बैंक मर्जर और कंसोलिडेशन प्लान का प्रोसेस थे लास्ट ईयर से, उनका प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा तो प्राइवेटाइज हो ही नहीं सकता। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा न्यूज में क्यों छाया हुआ है? एक्चुअल में क्या हुआ कि एक मीटिंग के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को अन्य बैंक के साथ कॉल किया गया। ये नोटिस क्या था, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों को नोटिस दिया गया था, किन को बुलाया गया था, इसके लिए आप हमारा पुराना वीडियो यानी कि इससे पिछला वीडियो देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में जो सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी बन रही है वो ये है कि बाकी के बैंक यानी कि दो बैंक जो प्राइवेट होंगे उनके अलावा जो बैंक बचेंगे उनका मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा के किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो प्राइवेटाइजेशन के अपडेट्स के साथ। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दें और सबके साथ शेयर कर दें। वी रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब अवर चैनल और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी बजाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।